हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. यू आर ऑल वेलकम ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. टुडे वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट चैप्टर द बुक विशाज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. हियर वी विल रीड टू स्टोरीज ऑफ टू लेडीज ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक समुदाय से जो है, तो वो जब बड़ी हो जाती है, वो दोनों राइटर होती है. एक तो अमेरिकन इंडियन अमूमन है और एक उसकी कॉन्टेम्परेरी तमिल दलित राइटर है. तो सबसे पहले मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर, यानी वो अपने बचपन की जो स्मृति उनको याद आ जाती है, जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती है, कि उनकी कम्युनिटी पर जो अपर कास्ट के लोग जो लोग हैं उनको किस तरीके से जो है वो अंडर प्रेशर रखते हैं, इसके बारे में उन्होंने अपनी जो व्यथा है वो इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ मैन उन राइटर्स के बारे में, जो कि एक तो अमेरिकन इंडियन वुमन और दूसरी जो है वो तमिल दलित राइटर. तो सबसे पहले दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड, यानी आत्म कथात्मक संस्करण फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन, यानी दो महिलाओं के जीवन से लिया गया है. फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड यानी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करती है. हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, अब वो वापस अपने बचपन के बारे में सोचती है कि हमारा बचपन जो था, या बचपन में हमारे साथ क्या घटनाएं जो घटित हुई थी उसके बारे में स्मरण करते हुए वो अपनी आत्मकथा लिखती है ये दोनों राइटर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो अमेरिकन इंडियन वुमन की, उसमें क्या बताया गया था. एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप, और उनके संबंधों पर प्रकाश जो डाला गया है विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, यानी कि संस्कृति की मुख्य धारा पर. द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन, यानी पहला लेख जो है वो अमेरिकी भारतीय औरत की कहानी है. बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, जिसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था. और द सेकेंड बाय कॉन्टेम्परेरी, यानी समानांतर समकालीन तमिल दलित राइटर है. एगेट्यूड शाइमन बॉर्न इन, ये वो अमेरिकन इंडियन वोमेन थी. बॉर्न इन 1876, जिसका जन्म 1876 में हुआ था, वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वोमेन, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, टैलेंटेड यानी प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वोमेन, जो कि अमेरिकी मूल की वो औरत थी और वहां पर उसने शिक्षा ग्रहण की थी. वो स्ट्रगल एंड एट टाइम इन टाइम, जिसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समय रहती उसने अपने संघर्ष पर विजय भी अर्जित कर ली थी. व्हेन स्लेवरी प्रेजुडाइस प्रिवेल, जिस समय अत्यधिक रूप से अमेरिका में लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, प्रिवेल यानी प्रचलित, टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर यानी मूल अमेरिकी संस्कृति एंड वुमेन और महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह की भावना थी, ऐसे माहौल में भी उसने ये संघर्ष किया और आखिर में उस संघर्ष की जो है वो जीत हुई थी. एज ए राइटर शी एडॉप्ट डिपन नेम, जब वो एक लेखिका बन जाती है या लेखिका के रूप में वो अपना एक पेन नेम रख लेती है, सरनेम या उपनेम जिसको कहते हैं, जीत काला सा के नाम से फेमस हो जाती है. एंड इन 1900 बिगेन पब्लिश आर्टिकल्स, और 19वीं शताब्दी में यानी सन 1900 में
वो आर्टिकल्स प्रकाशित करना शुरू कर देती है, क्रिटिसाइजिंग दी कार्लिस इंडियन स्कूल, कार्लिस भारतीय स्कूल की आलोचना करते हुए, यानी कि उसने अपने आर्टिकल में कार्लिस इंडियन स्कूल की आलोचना की थी। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डोगमा, उसने अपने उन लेखों के या कृतियों के अंदर बाही दिखावा जो होता है या जो लोगों के द्वारा आडंबर किया जाता है उसकी आलोचना की। एंड हर लाइफ एज ए नेटिव अमेरिकन वोमेन वॉज डेडिकेट अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन। और उसने ये प्रताड़ना की जो बुराइयां थी, इन बुराइयों के खिलाफ उसने संघर्ष किया, अपने आप को उनके खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष किया, समर्पित किया, डेडिकेटेड किया। तो ये थी उस पहली अमेरिकन इंडियन वुमन के बारे में कुछ उसका बायोडाटा था। उसके बाद में हम दूसरी जो राइटर है अबामा, यानी तमिल दलित राइटर, यानी ये भी उसका उस तमिल लेखिका का पेन नेम था। फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली, जो कि एक रोमन कैथोलिक परिवार से बिलोंग करती है, सी हैज पब्लिश्ड थ्री मेन वर्क्स। उसने तीन मुख्य लेख प्रकाशित किए थे या पुस्तकें प्रकाशित की थी। एक तो एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लिखी थी उसने, कारुकू 1992, एंड ए नॉवेल, और दूसरा एक उपन्यास लिखा था संगति 1994, एंड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और एक बुक और प्रकाशित की थी जिसमें संक्षिप्त कहानियां जो लिखी गई थी, किसुम्बुकारन 1996। The following excerpt has been taken from कारुकु, यानी ये अंश जो या उद्धरण जो है उसकी कारुकु नाम की जो बायोग्राफी बताई गई है वहां से लिया गया था। कारुकु मीन्स पालमीरा लीव्स, यानी पालमीरा की पत्तियां, विच विथ देयर सेरेटेड एस ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ जिसके किनारे जो है वो बहुत ही पहने हैं, दो धार वाले, आर लाइक डबल ए स्वॉर्ड, जैसे कि दो किनारे वाले या दो धार वाली तलवार होती है, ठीक उसी तरह कारुकू की जो पतियां हैं उनको दोनों किनारे बड़े पहने होते हैं, शार्प होते हैं। बाय ए फेलिशियस पन, यानी हेर पेर किए गए, मतलब चुने हुए शब्दों को जो हेर फेर करके लिया गया था, द तमिल वर्ड कारुकू, ये कारुकू तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटेनिंग वर्ड कारु, जिसमें कारु शब्द का समावेश है, जिसका मतलब होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहते हैं भ्रूण को, और सीड या बीज आल्सो मीन्स, जिसका मतलब होता है फ्रेशनेस एंड न्यूनेस, ताजगीपन और नयापन, कारुकु एम्ब्रियो और सीड। नेक्स्ट, अब सबसे पहली कहानी जो है जितकालासा अमेरिकन इंडियन वुमन, उसके साथ में एक्चुअली अमेरिका में हुआ क्या था, उसके साथ में जो प्रताड़ना हुई थी, उसे जो स्ट्रगल करना पड़ा था, वो अपने उस स्ट्रगल के बारे में इस कहानी के द्वारा या इस पार्ट में बता रही है कि किस तरीके से जिस समय में वो सेब वाली जो जमीन है अमेरिका की, वहां पर कड़ाके की मौसम में गई थी, तो किस तरीके से वहां का वातावरण जो ठंडा था, और मेन दिक्कत थी वहां जिस हॉस्टल के अंदर मैंने एडमिशन लिया था, वह उस हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं जानती थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो जो बार बार बैल बज रही थी वो किस बात का साइन करती थी, उसके बारे में भी मुझे नहीं जानकारी थी। तो देखो वह अपने साथ जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में
इस चैप्टर के माध्यम से या इस कहानी से हमें बता रही है जिटकालासा, जो कि उसने अपना पेन नेम जो है वो धारण कर लिया था या रख लिया था। द फ्रॉस्टी इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, वो कहती है कि सेब वाली वो जो धरती है, उस धरती पर मेरा पहला दिन जो था वो आज बिटर कोल्ड यानी एक्सट्रीमली कोल्ड यानी अत्यधिक ठंडा प्रदेश था, यानी कम कंपी पैदा करने वाला क्षेत्र। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड ग्राउंड, अभी भी वहां की जो जमीन है वो बर्फ से ढकी हुई थी, यानी कि चारों तरफ बर्फ बर्फ की जो है वो परत बिछी हुई थी। एंड द ट्रीज वर बेयर, और पेड़ पौधे जो है वो बेयर थे यानी नेक्ड मींस विदाउट ट्रीज। ए लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, अभी क्या हुआ, एक विशाल घंटी जो है वो नाश्ते के लिए रैंग हुई यानी बजी। इट्स लाउड मेटलिक वॉइस, तो जो ही वो बैल बजी उस बैल की तेज वो मेटलिक यानी मेटल धात्विक आवाज क्रॉसिंग थ्रू द बेलफ्राई और है। क्रॉसिंग का मतलब होता है कड़कड़ाती हुई, बेलफ्राई कहते हैं ए टावर ऑफ क्लॉक यानी घंटा घर। और है एंड इन टू आवर सेंसिटिव ईयर्स, तो यानी कि घंटाघर से जो घड़ी की घंटी बजी थी वो हमारी संवेदनशील कानों के अंदर प्रवेश कर रही थी। द आयरन क्लैटर यानी चिड़चिड़ापन प्रदान कर देने वाली वो खड़खड़ाहट ऑफ शू जूतों की, लोग इधर उधर आ जा रहे थे या बच्चे जो थे उस हॉस्टल के अंदर, उनके जूतों की खड़खड़ाहट की जो आवाज थी। ऑन बेयर फ्लोर्स यानी कि उस नंगे फर्श पर यानी बिना कोच कालीन बिछा हुआ जो फर्श था, गेव अस नो पीस, मुझे हमें किसी भी तरह की शांति नहीं प्राप्त हो रही। बार बार वहां के लड़कों की और स्टाफ की चलने की जो आवाज थी, जूतों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। द कंस्टेंट क्लास, कंस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू, क्लास का मतलब होता है टकराहट, ऑफ हार्श वॉइसेस कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थी। विथ एन अंडरकरंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग, और ठीक उसके अंदर कई विभिन्न तरह की बोली जो बोली जा रही थी, भाषाएं जो बोली जा रही थी, उनकी आवाजें भी अड़बड़ाते हुए सुनाई दे रही थी। मेड ए बेडलम, बेडलम का मतलब होता है डिसऑर्डर, विथ इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, जिसके बीच में मुझे सुरक्षित रूप से बांधा गया था। हेड ऑफ माय स्प्रिंग टॉर्ड इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, यद्यपि मेरी आत्मा जो है टॉर्ड इटसेल्फ स्वयं विभाजित हो चुकी थी, फट चुकी थी, इन स्ट्रगलिंग संघर्ष करती हुई इट्स लॉस्ट फ्रीडम, अपनी खोई हुई स्वतंत्रता में। ऑल वॉज यूजलेस, सब कुछ ही मेरे लिए यूजलेस था, व्यर्थ था। नेक्स्ट, अ पेल फेस वुमन विथ व्हाइट हेयर, तभी क्या हुआ, एक पेल फेस यानी पीले चेहरे वाले यानी डल फेस औरत जिसके बाल सफेद थे, केम आफ्टर अस, जो कि हमारे पीछे पीछे आ रही थी। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हम लड़कियों को जो लड़कियों की लाइन थी उसमें खड़ा कर दिया गया था। होवर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, जो कि हमने देखा कि वो डाइनिंग रूम की तरफ आगे जो है वो बढ़ रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये भारतीय लड़कियां थी। ये कौन थी जो कि डाइनिंग रूम की ओर जा रही थी, वो जो है डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी यानी कि भोजन कक्ष की तरफ जा रही थी। द इंडियन गर्ल्स यानी भारतीय लड़का लड़कियां, इन स्टिप शूज यानी कि उन्होंने सख्त यानी हार्ड शूज पहन रखे थे। एंड क्लोजली क्लींजिंग ड्रेसेस, और अत्यधिक कसी हुई यानी कि शरीर टाइट कपड़े पहन रखे थे।
The small girls wore sleeved aprons. छोटी लड़कियां जो है वो अस्तिन वाला एप्रोन पहन रखा था एंड सिंगल्ड हेयर. सिंगल्ड हेयर का मतलब होता है शॉर्ट, छोटे बाल करा रखे थे उन्होंने. एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई शॉर्ट मॉकी जींस, जो ही बिना कोई शोर किए मैं धीरे धीरे चल रही थी. सॉफ्ट मॉकी जींस, मॉकी जींस कहते हैं शॉफ्ट प्लेट सूज. सॉफ्ट प्लेट सूज. आई फेल्ट लाइक सिंकिंग इन टू द फ्लोर. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहां स्पर्श के अंदर धस जाऊंगी. फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्लिप फ्रॉम माई शोल्डर. जो कंबल मेरे कंधे पे रखा हुआ था उसे हटा दिया गया था. आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स. मैंने उन भारतीय लड़कियों की तरफ कठोरता पूर्वक देखा. हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट, जो कि उन्हें बिल्कुल भी ये परवाह नहीं थी कि देवर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस देन आई, क्योंकि मेरे से उन्होंने अत्यधिक इमोडेस्ट ड्रेस पहन रखी थी. इमोडेस्ट का मतलब होता है शैमलेश, यानी निर्लज, जो कि ऐसी हमारे भारत में नहीं पहनी जाती है. तो वो यहां भारतीय लड़कियां अमेरिका में आकर के उनकी तरह जो है वो ड्रेस पहन रही थी. इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, उन्होंने कसे हुए कपड़े पहन रखे थे. व्हाइल वी मार्च्ड इन, जो ही हम चलते हुए उस डाइनिंग रूम के अंदर पहुंचे. द बॉयज एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर. तो हमने देखा कि ऑपोजिट जो डोर था, सामने वाला दरवाजा, उस दरवाजे से लड़के भी उस डाइनिंग रूम में प्रवेश कर गए थे. आई वॉच्ड फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स. मैंने उन तीन बहादुर युवा लड़कों को देखा. केम इन अवर पार्टी, जो कि हमारी पार्टी में आए थे. आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स. स्पाइड या स्पीड बोल दे इसको, यानी ढूंढ लिया था या देख लिया था. रियर रैंक्स यानी पीछे की कतार में ही मैंने उनको ढूंढ लिया था. लुकिंग एज अनकंफर्टेबल, यानी वो भी अनकंफर्ट फील कर रहे थे, यानी असहज महसूस करना. जिस तरह का अनकंफर्ट मुझे फील हो रहा था वैसा ही उन्हें अनकंफर्ट हो रहा था, यानी असहज लग रहा था. ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड. तभी एक छोटी और घंटी बजी या थपथपाई गई. एंड ईच ऑफ द पुपिल्स ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल. और हर शिष्य ने, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स वहां खड़े थे, उन्होंने उन टेबल के नीचे जो चेयर्स थी उन्होंने अपने अपने चेयर को बाहर खींचा. सपोजिंग दिस एक्ट मेंट. अब मुझे नहीं पता था कि इस स्मेल का तात्पर्य क्या है, या ये जो स्टूल निकाल रहे हैं टेबल के नीचे से उनका उद्देश्य क्या है. शायद मैंने ये सोचा कि दे वर टू बी सीटेड, कि उन्हें बैठना था. यानी कि इन्होंने चेयर्स निकाली है, स्टूल निकाले हैं, इसका मतलब हम सबको बैठना है. सो आई पुल्ड आउट माइन. मैंने अपनी जो चेयर थी या स्टूल था उसको बाहर निकाल लिया. एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड. और तुरंत एक तरफ से खिसकते हुए उस स्टूल के ऊपर बैठ गई. बट वेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जो ही मैंने अपना सिर घुमाया, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड. तो मैंने ये नोटिस किया कि सारे स्टूडेंट खड़े थे, एकमात्र मैं ही जो वहां बैठी हुई थी. एंड ऑल द रेस्ट एट अवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग. और हमारी मेज के पास में अन्य जो लड़के लड़कियां थे वो सारे खड़े थे. जस्ट एज आई बिगन टू राइज, यहां ही मैं उस चेयर से उठने के लिए तैयार हुई, शुरू हुई. लुकिंग साइली अराउंड टू सी, शर्मिंदा पूर्वक चारों तरफ देख रही थी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है. हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, ये पता लगाने के लिए कि भाई किस तरीके से इन चेयर्स का जो है वो उपयोग किया जाता है. ए सेकेंड बेल वॉज साउंडेड. तभी एक और बेल बजी. ऑल वर सीटेड एट लास्ट. आखिर में सारे स्टूडेंट जो है वो उन चेयर्स पर बैठ गए. एंड आई हैड टू क्रॉवल बैक इन टू माई चेयर. और मुझे भी रेंगते हुए वापस अपनी कुर्सी पर जाना पड़ा.
आई हर्ड ए मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, तभी मैंने हॉल के किसी छोर से एक आदमी की आवाज को सुना। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, मैंने इधर उधर देखा कि भाई वो कौन आदमी जो है वो बोल रहा था। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन अन्य सभी ने वो अपने अपने सिर जो है वो अपने आगे मेज पर जो प्लेट्स पड़ी थी उनकी तरफ उनके सिर झुके हुए थे। एज आई ग्लेज्ड एट द लॉन्ग चैन, जो ही मैंने वो लंबी जो चैन बनी हुई थी उसकी और ग्लेज डाली, नजर डाली और टेबल्स, आई कॉट द आईज ऑफ ए पेल फेस्ड वुमन अपॉन मी, तभी मैंने देखा कि एक पीले चेहरे वाली जो औरत थी, यानी जिस औरत का चेहरा डल था, नीरस था, वो मेरी ओर देख रही है। इमिडिएटली आई ड्रॉप्ड माय आईज, तुरंत मैंने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया कि मुझे कोई नोटिस कर रहा है। और वंडरिंग व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, मुझे इस बात का सरप्राइज हुआ, हैरानी हुई कि एक अनजान महिला जो है वो मुझे इतनी कीनली यानी जिज्ञासावश कैसे घूर रही है, या वो बार बार मेरी ओर क्यों देख रही है। द मैन सीज हिज मटरिंग्स, अब वो आदमी जो बड़बड़ाया था उसने अपनी बड़बड़ाहट या बातचीत को बंद कर लिया था। एंड देन ए थर्ड बेल वाज स्टेप, और फिर क्या हुआ, एक तीसरी घंटी फिर बज गई। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क, हर स्टूडेंट ने चाकू छुरे और कांटे, जो चम्मच थे कांटे वाले, निकाल लिए। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इनस्टेड, अब मैं खाने के बजाय मैंने रोना चीखना शुरू कर दिया था। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड, क्योंकि इस समय मुझे इस बात का डर था कि इसका मतलब क्या खाना होता है कि नहीं है। टू वेंचर का मतलब होता है साहस करना, यानी डेहर करना या हिम्मत जुटाना, करेज करना, एनीथिंग मोर कि कुछ अलग करने का या कुछ आगे दौड़ने का या आगे काम करने का। मेरे अंदर हिम्मत नहीं था इसलिए मुझे डर लग रही थी। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल, हालांकि ये खाने का जो तरीका था, फॉर्मूला था, जो सूत्र था, पैटर्न था, वो कोई कठोर परीक्षा नहीं थी। ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है टेस्ट, तो ये ईटिंग फॉर्मूले के जो रूल्स थे, रेगुलेशन कोई हार्ड नहीं थे। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, उस सुबह काफी देर बाद मेरी फ्रेंड जिसका नाम जुडविन था उसने मुझे एक डरावनी चेतावनी दी थी, डरा देने वाली। क्या था, जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन जो है वो अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी, हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, जुडविन को पता था। तो उसने उन अमरीकी वुमेन को बातें करते हुए सुन लिया था, वो बातें कर रही थी, तो कुछ शब्द जो है वो जुडविन को समझ में आ गए थे, और जुडविन मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मुझे ये वार्निंग दी कि हमारे बारे में ये लोग ऐसी बातें कर रही थी। अब क्या था, सी हैड ओवरहेड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर, उसने सुन लिया था कि वो पेल फेस वाली जो औरत है वो कह रही थी कि इन भारतीय लड़कियों के जो ये लंबे घने जो बाल है इनको काट लिए जाए, क्योंकि फॉरेन में इतने घने लंबे बाल औरतें जो है वो रखती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में औरतें लंबे और घने बाल रखती है। Our mother said taught us that, क्योंकि हमारी माताओं ने हमें ये सिखाया था कि only unskilled warriors who were captured, केवल अकुशल जो योद्धा होते हैं, डरपोक या कायर जो योद्धा होते हैं उनको युद्ध में पकड़ लिया जाता है, या जो सैनिक जिनको युद्ध में पकड़ लिया जाता है, who were captured had their hair singled, तो उनके बाल जो है वो singled किए जाते हैं, यानी कि उनको गंजा कर दिया जाता है, बाल short कर दिया जाता है by the enemy, यानी शत्रु सेना के द्वारा। Among our people, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोगों में ये धारणा है, short hair as worn by the mourners, यानी गंजे कौन होते हैं, शोक मनाने वाले, यानी कि किसी की डेथ हो जाती है घर में तो उसके पीछे जो लोग शोक मनाते हैं तो वो लोग बाल जो है वो छोटे कर लेते हैं, यानी गंजे हो जाते हैं। एंड सिंगल हेयर बाय कोवर्ड्स, या फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति में है कि बिल्कुल गंजे कौन रहते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, जो कायर होते हैं, तो वो शॉर्ट हेयर रखते हैं, सिंगल हेयर रखते हैं, जो कायर होते हैं। वी डिस्कस्ड आवर फैट सम मोमेंट्स,
जब मुझे इसके बारे में पता लगा अपनी फ्रेंड के बारे में, तो हम दोनों ने हमारी किस्मत के बारे में कुछ पलों तक डिस्कस किया, विचार विमर्श किया, उसके मैटर बारे में सोचा। एंड व्हेन जुडविन सेड, और जब मेरी फ्रेंड जुडविन ने कहा, वी हैव टू सबमिट, यानी हमें सबमिट करना होगा, यानी समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने कहा, यानी उस मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये लोग शक्तिशाली है, इनका खुद का देश है, हमें इनके सामने समर्पण करना होगा। आई रेबल्ड, लेकिन मैंने उसकी बात का रेबल्ड कर लिया, यानी रिवोल्टेड, मैंने विद्रोह कर दिया कि नहीं, इतनी आसानी से मैं सबमिट करने वाली नहीं हूं या सरेंडर करने वाली नहीं हूं। नो, आई विल नॉट सबमिट। मैंने स्पष्ट अपनी फ्रेंड को वार्न कर दिया था कि मैं बिल्कुल सरेंडर करने वाली नहीं हूं। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, क्योंकि पहले मैं संघर्ष करूंगी। अब संघर्ष करने पे हार हो जाती है, वो एक अलग चीज है, बट पहले मुझे इसके बारे में संघर्ष करना होगा। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, आई वॉज माई चांस, जो ही मैं अपने अवसर की तलाश करने लगी कि मुझे कोई ऐसा अवसर मिले और मैं यहां से बाहर जाऊं। एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड, और जब कोई मेरी ओर नहीं देख रहा था, आई डिसअपीयर्ड, मैं वहां से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों के ऊपर रेंगते हुए चढ़ गई, एज क्वाइटली एज आई कुड, जितनी शांतिपूर्वक या चुपचाप मैं चढ़ सकती थी, चुपके से मैं सीढ़ियां चढ़ी। इन माई स्पीकिंग शूज, यानी चरचर करने वाले मेरे जो जूते थे, चरचर की आवाज करने वाले, माई मोकेजींस, मेरे वो नरम सॉफ्ट शूज हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज, उन्हें बदल दिया गया था और मुझे वहां पहने जाने वाले साधारण जो शूज है वो दे दिए गए थे। अलोंग द हॉल आई पास्ट, हॉल से होते हुए मैं आगे गुजर गई, विदाउट नोविंग विथर, ये नहीं जान रही थी कि मुझे विथर यानी वायर कहां जाना है, मुझे खुद को पता नहीं था। आई वॉज गोइंग टर्निंग एसाइड टू एन ओपन डोर, एक तरफ मुड़ते हुए खुला जो दरवाजा था उस ओर मुड़ गई। आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ थ्री व्हाइट बेड्स, तभी मैंने देखा एक बड़ा सा कमरा जिसमें सफेद तीन बेड थे। द विंडोज वर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टेन्स, और उस कमरे की जो खिड़कियां थी वो गहरे हरे मतलब रंग की पर्दे लगे हुए थे, विच मेड द रूम वेरी डिम, जिससे कि कमरे में बहुत ही धुंधली रोशनी थी, दिन के उजाले में भी धुंधलापन था। थैंकफुल दैट, यानी भगवान का शुक्र था, नो वन वाज देयर, वहां उस कमरे में उस समय जब मैंने प्रवेश किया था कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड द कॉर्नर, मैंने अपने कदमों को एक कॉर्नर की तरफ आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट किया, निर्देशित किया, यानी उनको उस तरफ बढ़ाया। फार्देस्ट फ्रॉम द डोर, दरवाजे से काफी डिस्टेंस आगे, ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉवल्ड अंडर द बेड, मैंने अपने हाथ और घुटने जो है वो मोड़ लिए और सिकुड़ करके बेड के नीचे मैं छुप गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ, सॉरी, आई क्रॉवल्ड अंडर द बेड, यानी मैं हाथ और घुटनों के बल रेंगते हुए, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, पलंग के नीचे चली गई थी। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन डार्क कॉर्नर, और उस पलंग के नीचे जो अंधकार युक्त कोना था उस कोने के अंदर मैं हडल्ड हो गई। हडल्ड का मतलब होता है सिकुड़ जाना, अपने आप को सिमेंट करके बैठना। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पीयर्ड, मेरे छुपने के स्थान से मैंने जागती हुई देखा, जागकर देखा, क्या देखा, शडरिंग विथ फियर, भय से कांप उठी। व्हेनेवर आई हियर फुटस्टेप नियर बाय, यानी कांप उठती थी जब भी मेरे नजदीक का पैरों की आवाज सुनाई देती तो मैं भय से कांप उठती थी। दाउ इन द हॉल, यद्यपि हॉल के अंदर लाउड वॉइसेज वर कॉलिंग माई नेम, ऊंची या तेज आवाज में बार बार मेरा नाम पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू दैट, और मैं ये जानती थी कि इवन जुडविन की जुडविन भी वाज सर्चिंग फॉर मी, यानी मेरी फ्रेंड भी मुझे जो है वो ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर,
हालांकि मैंने उस उनके द्वारा पुकारे गए नाम का उत्तर देने के लिए अपना मुंह तक नहीं खोला। Then the steps were quickened, तभी देखा कि लोगों की पदजाप जो है वो काफी तेज हो गई थी। And the voices became excited, और हमने देखा कि उनकी आवाजों में उत्तेजना छाई हुई थी। The sounds came nearer and nearer, अब मुझे वो आवाजें मेरे नजदीक आती हुई सुनाई दे रही थी। Women and girls entered the room, महिलाओं और लड़कियों ने मेरी कमरे में प्रवेश किया। I held my breath, मैंने अपनी सांस रोक ली। And watched them open closet doors, और मैं उनको पलंग से नीचे से देख रही थी कि वो क्लोसेट जो थी, अलमीरा जिसको कहते हैं अलमारियां, उनके दरवाजे खोल रहे थे। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और वहां बड़े बड़े जो ट्रंक्स रखे हुए थे संदूक, उनके पीछे झांक रहे थे। समवन थ्रू अप द कर्टेंस, तभी किसी ने खिड़कियों पर लगे हुए जो पर्दे थे उनको थ्रू अप यानी ऊपर की तरफ कर दिए। एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और कमरा अचानक रोशनी से भर गया यानी उजाला हो गया। व्हाट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, पता नहीं किस कारण से उन्होंने स्टूप यानी बैंड झुकना, किस कारण वो नीचे झुके। एंड लुक अंडर द बेड, और उन्होंने पलंग के नीचे देखा। आई डोंट नो, मैं इसके बारे में नहीं जानती। आई रिमेम्बर बीइंग ड्रैग आउट, उसके बाद मुझे केवल इतना ही याद है कि मुझे घसीट करके पलंग से के नीचे से बाहर निकाला गया था। दाव आई रेसिस्टेड, यद्यपि मैंने इसका रेसिस्ट किया यानी अपोज्ड किया, विरोध किया था। बार बार वो मुझे घसीट करके आगे ले जा रहे थे, मैंने उनका विरोध किया। बाय किकिंग, मैं उनकी तरफ लाते मार रही थी। एंड स्क्रीचिंग वाइल्डली, और जानवर की बातें हिंसक होते हुए उन्हें नाखूनों से नोच रही थी। इन स्पिट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, मेरे इन प्रयासों के बावजूद भी मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जाया जा रहा था। एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और वहां नीचे ले जा करके मुझे कुर्सी पर बांध दिया गया था। आई क्राइड अलाउड, मैं जोर से चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, यानी मेरा सिर हिलाते हुए, अंटिल आई फेल्ट, तब तक हिलाती रही जब तक कि मैंने ठंडी ब्लेड अपने सिर पर महसूस नहीं की ऑफ द सीजर यानी कैंची की अगेंस्ट माई नेक, अपनी गर्दन पर। तब तक मैं अपनी गर्दन हिलाती रही जब तक कि सीजर की ठंडी ब्लेड मेरी गर्दन पर महसूस हुई। एंड हैड देम नाउ ऑफ, नाउ ऑफ का मतलब होता है कट ऑफ यानी काटना। वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, ब्रेड्स कहते हैं प्लेट्स, और प्लेट्स मतलब होता है चोटियां। देन आई लॉस्ट माई स्प्रिट, अब मेरा जोश ठंडा पड़ गया था। सिंस दैट डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, जब से मुझे अपनी माँ के पास से ले जाया गया था, दूर किया गया था। आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, मुझे अत्यधिक इंसल्ट का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। जब से माँ से दूर हुई हर जगह मुझे अपमान सहना पड़ा। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी ओर स्टेयर करते थे, मतलब मुझे घूरते थे, गेस करते थे। आई हैड बीन टोस्ड यानी थ्री ऑफ, मुझे फेंक दिया जाता था इन द एयर, हवा में, लाइक ए वुडन पपेट यानी लकड़ी की बनी हुई कठपुतली की तरह। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक ए कोवर्ट्स, अब मेरे लंबे बाल जो है उनको सिंगल्ड कर दिया गया था यानी बहुत ही छोटे कर दिए गए थे कायरों की तरह। इन माई एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है ग्रेट पैन यानी दर्द या पीड़ा में। आई मॉन्ट यानी मैं कराने लगी फॉर माई मदर, मेरी माँ के लिए। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, मैंने मामा बहुत पुकारा लेकिन मुझे सांत्वना देने के लिए कोई आगे नहीं आया। नॉट ए सॉल, कोई भी आत्मा नहीं क्वाइटली विथ मी, मुझे शांत करने के लिए। एज माई ओन मदर यूज टू डू, अक्सर मेरी माँ जो है वो कोई भी परेशानी होती थी तो मुझे सांत्वना देती थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं था।
फॉर नो आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स, अब मैं उनकी तरह हो गई थी अन्य लड़कियों के बीच में, जिस प्रकार छोटे जानवरों के अंदर एक दूसरा कोई अनजान जानवर आ जाता है। ड्राइवन बाई हर्डर, जो कि एक हर्डर यानी गडरिया जो होता है, पशुपालक जो होता है वो अपने पशुओं को हांकता है, उसकी तरह मुझे भी अन्य लड़कियों के साथ में हांका जाने लगा। इसके साथ ही इस चैप्टर की जो पहली स्टोरी है वो यहीं समाप्त होती है, और इसकी जो सेकंड स्टोरी है वो हम सेकंड पीरियड के अंदर जो है वो नेक्स्ट पीरियड में इसके बारे में रीड करेंगे। तब तक के लिए ए लॉट्स ऑफ थैंक यू टू यू ऑल द बेस्ट।